मिस्टर एंड मिसिस संधू ते उन्हां दा इकलौता बेटा नतीश बहुत ही खुशहाल ते अच्छी लाइफ जी रहे सी। नतीश पढ़ लिख गया, बड़ा हो गया, सरकारी नौकरी मिल गई ते उसकी पोस्टिंग मुंबई दे विच हो गई। वो अपने बेबे बापू नूं कहण लगा कि बेबे बापू तुसीं पिंड वाले मकान दे विच रहो क्योंकि मैं मुंबई जाना है। मिस्टर संधू कहण लगे कि बेटा नतीश तेरे बगैर साडा है कौन है, असी किहदे आसरे जीवांगे। नतीश ने फिर जोर दे के कहा कि बापू जी थोड़ा जो मेरे प्रति फर्ज सी वह पूरा हो चुका, वैसे भी मैं हुण छोटा बच्चा नहीं रहा जिहदे नाल तुसीं सारी जिंदगी घूमते रहो, मेरी पोस्टिंग कदी किते होनी है ते कदी किते होनी है, मैं नहीं चाहता मेरे नाल तुसीं एवें धक्के खांदे रहो। संधू साहब ते उहनां दी वाइफ समझ चुके सी कि नतीश की कहना चाहुंदा, सो उन्होंने हाँ दे विच सिर हिलाया ते पिंड वाले मकान नूं चल पए ते नतीश मुंबई लई रवाना हो गया। कुछ देर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। नतीश नूं उत्थे इक लड़की मिली जो खुद भी एक वड्डी कंपनी दे विच नौकरी करदी सी। जान पहचान हुई, प्यार होया, लव मैरिज हुई। कुछ देर बाद नतीश दी पत्नी गर्भवती हो गई ते उसनूं अपनी नौकरी छड्डनी पई। हुण नतीश पहला अपनी नौकरी ते जांदा ते फिर घर आउंदा, घर दा आके काम करदा, जो कि उहदे लई बहुत ही मुश्किल हो रहा सी। एक दिन दोनों मियां बीबी सलाह करदे भी किस तरह कीता जावे, क्यों ना कोई नौकर रख लिया जावे। तां नतीश दी वाइफ कहण लगी कि इत्थे नौकर रखना बहुत ही महंगा आ, रिस्की आ ते नौकर बिल्कुल विश्वास पात्र नहीं मिलते हैगे। काफ़ी सोच समझ के को काफ़ी सोच विचार तो बाद उन्होंने इस चीज़ का हल कढ़िया। नतीश ने कापी पेन चक्या ते अपने बेबे बापू के नाते एक खत लिख दिता, मेरे प्यारे पापा जी, बेबे जी, पैरी पहने हैं, सब तो पहला मैं थोड़े तो माफ़ी चाहना कि मैं थोनों ये कहा कि थोड़ा फर्ज पूरा हो चुका, जो मेरे फर्ज की वारी आई तो मैं थोनों कल्या ही रब भरोसे छड़ दिता, इस गल लई मैनूं माफ़ कर दिओ। हुण मैनूं अपनी गलती का एहसास हो गया तो मैं चाहना कि तुसीं जल्दी तो जल्दी साढ़े कोल मुंबई आओ तो सानूं अपनी सेवा करने का मौका दिओ। टिकटां मैं थोनों नाल भेज रहा तो एड्रैस भी नाल भेज रहा हाँ, तुसीं कल सवेर ही मेरे कोल मुंबई पहुँच जाओ। मिस्टर संधू साहब ने जदों ये खत पढ़िया तो उन्हां दी अखां विच्चों खुशी दे हंझू वग गए। देर सही सवेर सही साढ़े पुत नूं अकल तां आई, चलो इसे बहाने उसके दीदार भी कर लाँगे। संधू साहब ने अपनी वाइफ नाल गल कीती ते उन्होंने अपना समान पैक किया, दिते हुए पते वालों तुर पे मुंबई लई रवाना हो गए। घर पहुंचे नतीश घर नहीं सी, उन्हां दी बहू सी, दरवाजा खोलिया उन्हां दी पूरी आओ भगत हुई। शाम नूं नतीश अपनी ड्यूटी तो वापस आया तो अपने माता पिता के पैरी हथ लाया तो अपनी घरवाली ने उन्हां दी इंट्रोडक्शन करवाई जो कि पहला भी जान चुके सी। फिर वो अपनी माता नूं कहण लगा, माता बहुत देर हो गई तेरे हाथ की रोटी नहीं खाधी हैगी, साढ़े लिए रोटी तू ही पकाया कर, असी बहुत तंग हो गए हैं, तेरे हथों कभी रोटी नहीं खाधी, साढ़े लिए रोटी तुसी पकाया करो, तो ये थोड़ी बहू आ, एक गर्भवती आ, तो इसकी देखभाल भी तुसी कराया करो। जाने कि नतीश ने घर के लिए एक चौकीदार अपने प्यो के रूप के लिया, नौकराणी के रूप में अपनी माँ को समझिया, उन्हों का फर्ज समझा के अपने फर्ज तो उन्हें फिर दोबारा मुक्ति पा ली। ये गल कितों तक जायज़ है? कि वह अपने माँ बाप को अपने माँ बाप नहीं सी समझ सकता, उन्हें अपने माँ बाप को नौकरां की तरह समझे। मिस्टर एंड मिसेस संधू चंगी तरह समझ चुके सके कि वह नतीश सानू इत्थे क्यों बुला के लिया, सानू इत्थे क्यों बुलाया, पर उन्हां कोल हथ मंड तो अलावा होर कोई हल है नहीं सी। वह दो रोटियां दे जीवन जोगे उत्थे रह गए, उसकी घरवाली की देखभाल लई, घर के काम काज के लिए, होर बाहरों सब्जी भाजी लैण लई, बस ऐसे जोगे रह गए। नतीश अपने काम तो आता, अपनी वाइफ नाल गलबात करता, माँ बाप की उन्हें कोई सुध बुध नहीं सी, रोटी पक्की पकाई मिल जाती सी। दोस्तों तुसी अपने माँ बाप नाल कदी भी इंज ना करो,
अपने मां बाप नूं परमात्मा दा दर्जा दिओ ना कि नौकर दा, क्योंकि किसे टाइम तुसी बच्चे सी उन्होंने अपना फर्ज पूरी ईमानदारी नाल निभाया, थानू पढ़ाया लिखाया बहुत काबिल इंसान बनाया। जदों तुसी काबिल इंसान बन गए हो थोड़े माँ बाप उस टाइम बच्चे बन जाते हैं, तो उस टाइम थोड़ा फर्ज बनता कि तुसी अपने माँ बाप की रिस्पैक्ट करो। रिस्पैक्ट यूर पेरेंट्स, दे आर गॉड नॉट एज सर्वेंट्स। अगर थानू यह कहानी चंगी लगी हो तो अगे शेयर जरूर करो, शायद कोई समझ जाए। वैसे तो सियाने कहते हैं भी जिन्हों के माँ बाप नहीं होंगे उन्होंने ही पता होंगे माँ बाप की कमी की है, जिन्हों को होंगे कदर नहीं करते। सो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है, अपने माँ बाप की रिक्वेस्ट जरूर करो, आग्या दो। मिलते हैं अगले वीडियो के, वीडियो चंगा लगे सबसक्राइब भी जरूर करो। धन्यवाद।